एवरीवन, वेलकम टू जेनिक। तो कैसे हो सभी बच्चे? तो बच्चे आज हम बात करते हैं आरवीएनएल की, जो कि आपका 4 सितंबर को आपका पेपर होने वाला है। आप यहां पे बेटर तरीके से रिवीजन भी कर रहे होंगे, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा होगा। आपको लग रहा होगा कि सर जितनी बार मैं रिवीजन कर रहा हूं तो ऐसा लग रहा है कि मैं सब कुछ भूल गया हूं। बच्चे ये सिचुएशन आपके साथ ही नहीं है, हर बच्चे के साथ होती है। जब एग्जाम आपका नजदीक आता है तो वहां पे ऐसा लगता है कि मेरे को याद भी है या याद भी नहीं है। मतलब मैं रिवीजन भी कर रहा हूं लेकिन ऐसा लग रहा है कि मैं कहीं चीजें भूल रहा हूं। ये आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा कि जो आरवीएनएल का जो पेपर होगा क्या मैं उसे क्वालिफाइड कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। अब ये कॉन्फिडेंस कैसे लाया जाए सर? ये सिचुएशन सभी के साथ होती है, ऐसा नहीं कि आप ही एक इकलौते बंदे हो जिनके साथ ये सिचुएशन आ रही है। सभी के साथ ये सिचुएशन होती है, जब आपका एग्जाम नजदीक आता है तो कॉन्फिडेंस आपका लो हो जाता है। तो इस कॉन्फिडेंस को लाने के लिए आपको जो लास्ट के 15 डेज में जो स्ट्रेटजी अपनाना चाहिए वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। क्योंकि लास्ट के 15 डेज में आपको अब क्या करना चाहिए कि आपको फुल लेंथ टेस्ट देना चाहिए। 5 तो आपको फुल लेंथ टेस्ट देना है आरवीएनएल के, जो भी टेस्ट सीरीज आपने ज्वाइन कर रखी है वहां से आपको 5 फुल लेंथ टेस्ट आपको लगा लेना है। और वो कैसे लगाना है सर? 2 दिन आपको प्रॉपर अच्छे तरीके से थ्योरी और क्वेश्चंस का रिवीजन करना है। क्वेश्चन कौन से? जो आपने पहले लगाए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि आपको सारे क्वेश्चन ही रिवाइज करने, जो पहले लगाए थे वो सारे क्वेश्चन रिवाइज करने की आपको जरूरत नहीं है। वहां पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो लगा लो, वो मोर देन सफिशियंट है आपके लिए। नए क्वेश्चंस को आपको टच नहीं करना। और 2 दिन बाद आपको क्या करना है? टेस्ट देना है। ऐसे करके फिर 2 दिन फिर वापिस सब्जेक्ट आपको रिवाइज करना है, टेक प्लस नॉन टेक दोनों को रिवाइज करना है मेरे भाई 2 दिन के अंदर। फिर उसके बाद अगले दिन टेस्ट लगा लो, देखना 30 तारीख तक आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा और आपकी स्पीड भी इंक्रीज हो जाएगी। इस टाइम पे कॉन्फिडेंस लाने का एक ही तरीका है, वो है टेस्ट सीरीज। क्योंकि अगर आप टेस्ट सीरीज को इस तरीके से दोगे कि मैं यहां पे आरवीएनएल का पेपर ही लिख रहा हूं, अगर मैं ये आरवीएनएल का पेपर होता तो मेरे कितने मार्क्स आते हैं, तो ये सोच के आपको टेस्ट सीरीज देना है और उसका प्रॉपर एनालिसिस करना। 1 दिन आपको, 2 दिन के बाद, 1 दिन में आपको पूरा टेस्ट सीरीज के लिए देना है और उसका प्रॉपर आपको एनालिसिस करना है। आपको 30 तक आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। और 30 के बाद ऐसा नहीं है कि आपको 1, 2, 3 भी आपको टेस्ट सीरीज ही लगाना है, नहीं, 1, 2, 3 को आपको कोई भी टेस्ट नहीं देना है। ओके, 1, 2, 3 को ओनली आपको जितनी भी आपने थ्योरी पढ़ी है और जितने भी आपके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सभी को आपको रिवाइज करना है। जैसे कि मैं इलेक्ट्रिकल मशीन की बात करता हूं, तो 1 तारीख के अंदर क्या करना है कि जैसे कि आपके पास डीसी मशीन हो गया, ट्रांसफॉर्मर हो गया और आपके पास इंडक्शन हो गया, सिंक्रोनस हो गया, तो इनके फॉर्मूले, जैसे डीसी मशीन के जितने भी फॉर्मूले हैं और उसके बेसिक कॉन्सेप्ट, मेरे को नहीं लगता कि उसको 2 घंटे से ज्यादा लग पाएगा आपके। 2 घंटे तो मैक्सिमम बता दिया मैंने, 1.5 घंटे में आप रिवाइज कर लोगे बेसिक कॉन्सेप्ट और उसके जितने भी फॉर्मूले हैं। ऐसे करके फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट आपको रिवाइज करना है और फिर इलेक्ट्रिकल मशीन आपकी 5 से 6 घंटे में आपके अच्छे तरीके से रिविजन हो जाएगा। और वहां पर जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जिनको आप बार बार भूल रहे थे उनको जरूर रिवाइज कर लेना एक बार, जिनको आप अभी से टिक मार्क करते हुए जाना। इस तरीके से आपको प्रत्येक सब्जेक्ट का लास्ट के 3 डेज में थ्योरी और क्वेश्चन, कम क्वेश्चन जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनका आपको रिवीजन करना। देखना 4 तारीख को जो आपका आरवीएनएल का पेपर जाएगा वो बहुत ही अच्छा जाएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि सर आपको 1-2 आपको यहां पे वीडियो लेक्चर के साथ हमारे साथ टेस्ट कंडक्ट करवा देना चाहिए, यहां पे वीडियो लेक्चर के साथ एक फुल लेंथ टेस्ट, तो एक बार सभी बच्चे कमेंट में बता दो, वो भी हम हमारी ओर से पूरी कोशिश करेंगे कि यहां पे एक फुल लेंथ टेस्ट यहां पे डिस्कस कर दिया जाए यूट्यूब पे। ओके, तो कमेंट में बता देना अगर आपको ये रिक्वायर्ड है तो हम ये भी आपकी इच्छा पूरी करेंगे। ओके, थैंक यू एंड टेक केयर एंड लव यू ऑल।